नमस्कार, मैं खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। एक नई आवाज, एक नई पहचान। हम प्रदेश और देश की सभी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है। बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के साथ कर रही है एजेंसी के मालिक धोखाधड़ी। आपको बता दें, ऐसा ही मामला जनपद देवरिया के रुद्रपुर तहसील के गणपत ऑटो हीरो एजेंसी के मालिक कमरे आलम पठरदेवा द्वारा एक ग्राहक के साथ एजेंसी मालिक द्वारा धोखाधड़ी किया गया। रुद्रपुर नगर निवासी चंदन पांडे ने बताया कि अक्टूबर 2023 में इस एजेंसी से एक HF डीलक्स हीरो की बाइक खरीदा था, जिसका मूल्य 83,000 बताया गया, जिसका रसीद मिला। 20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद 63,000 का लोन होना था, लेकिन एजेंसी मालिक द्वारा 73,000 का लोन कर दिया गया। EMI ज्यादा आने पर जब लोन का डिटेल निकलवाया गया तो पता चला कि एजेंसी मालिक ने 10,000 बढ़ाकर लोन करवाया है। एजेंसी पर जाने के बाद एजेंसी मालिक कह रहा है कि सब सही है। हिसाब किताब करने के बाद पता चला कि 10,000 मेरा निकल रहा है, जहाँ पर एजेंसी मालिक द्वारा 9,000 वापस किया गया। पीड़ित ग्राहक ने बताया कि मुझे 9,000 मिलने की खुशी नहीं है, दुख इस बात की है कि इस एजेंसी द्वारा अनेक ग्राहकों के साथ इस तरह का धोखाधड़ी किया जा रहा है। ऐसे एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करके बंद कर देना चाहिए। एंटी करप्शन कोर कमेटी के रुद्रपुर उप प्रभारी राम प्रताप पांडे ने बताया कि ऐसे एजेंसियों वालों पर सख्त जाँच कर कार्रवाई करके एजेंसी को बंद करना चाहिए। रुद्रपुर में हीरो की एजेंसी है, एक मनमत त्रिपाठी का एजेंसी है और यहाँ पर एक आलम नाम के व्यक्ति का, पथरदेवा का रहने वाला, उनका हीरो का एजेंसी है आदर्श चौराहे पर। उनके यहाँ से हमारे घर में एक गाड़ी गई थी HF डीलक्स, जिसका उस समय दाम बताए थे 82,500 रुपये, लेकिन वह जो है कि 20,000 रुपये डाउन पेमेंट ले करके और उसके बाद से मेरा बचा कितना, 53,000 रुपया, 22,000 और 63,000 रुपया बचा। वह अपने मन से 73,000 रुपये का हमारे गाड़ी का जो है कि लोन करवा दिए थे, और लोन का पैसा जब ज़्यादा आने लगा तो हम कंपनी पर आगे जांच किए तो पता चला कि हमारे गाड़ी का 73,000 रुपये का लोन हो गया था। उसे हिसाब किताब मांग रहे थे, 2-3 दिन से दौड़ा रहे थे। आज हम अपने 2-3 भाइयों के साथ जब वहाँ पहुँचे, हिसाब किताब किए हैं तो मुझे 9,000 रुपया कर रहे हैं कि आपका हिसाब निकल रहा है, तो 9,000 रुपया हमको हिसाब दिए हैं। अब बताइए, इस तरह से अगर कोई गरीब आदमी कोई अगर गाड़ी अगर फाइनेंस में लेता है किसी एजेंसी से, और एजेंसी वाला अगर अपने तरफ से धुरतबाजी कर करके 10,000-20,000 रुपये का ज़्यादा लोन करके उससे EMI ले रहा है, तो वह गरीब आदमी नहीं जानता है। मान लीजिए आज ये मामला मेरा था, मैं जानता था, मैं उनसे इस तरह का बात करके अपना पैसा लिया हूँ। अगर कोई वह व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ये लोग शोषण कर रहे हैं, उसके 50,000 के बजाय 60,000 का लोन कर दे रहे हैं, 60 के बजाय 80,000 का लोन कर दे रहे हैं, आकर के पैसा ले रहे हैं। आज आपसे एक्स्ट्रा लिए थे, जो आप 9,000 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा लिए थे, तो आज हमको 9,000 रुपये वह वापस किए हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हमने कहीं किया नहीं, लेकिन कोतवाली में जाकर के लिखित तौर पर हम शिकायत करेंगे किस तरह का मेरे साथ वो 420 वाला काम किए हैं। क्या नाम है, कहाँ मामला है? मेरा नाम राम प्रताप पांडे है, चंदन कुमार पांडे के नाम से गाड़ी खरीदी गई थी और गए हैं तो आज ये मामला सामने आया है। एजेंसी का नाम है गणपत हीरो रुद्रपुर। ऐसी तमाम और